अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आईटी स्कॉलर। आईटी स्कॉलर में आप लोगों का खुशामदीद। जी हाँ, जैसा कि सबको मैं कहता हूँ कि भाई आप खुशहाल होंगे, आबाद होंगे घर में, अल्लाह पाक आपको खुशहाल रखे, आबाद रखे। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग का एक टूल है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। काफ़ी जगह आप लोग क्या करते हो, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सीखते हो लेकिन वो वैलिड नहीं होती। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं और वैलिड वेबसाइट आपको दिखाऊंगा कि इस वैलिड वेबसाइट से आप किस तरह, पूरा तरीकाकार सिखाऊंगा कि आप किस तरह, किस किस तरीके से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीका हो चुका है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, तो हर कोई इससे फ़ायदा उठा रहा है। क्यों ना आप लोग भी, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है जी अपवर्क। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जी अपवर्क। अपवर्क क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें फ्री लॉन्सिंग का पता होना चाहिए, हमें फाइवर का पता होना चाहिए, हमें हर उस चीज़ का पता होना चाहिए जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि फ्री लॉन्सिंग क्या होती है कि आपके पास कोई स्किल हो, आप उसका स्किल का अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, अपनी पोर्टफोलियो बनाएं, किसी भी वेबसाइट पे या किसी वैलिड वेबसाइट पे उसको अपलोड करें और क्लाइंट या कस्टमर आपके वो डाटा देखेगा, पोर्टफोलियो देखेगा और आपसे रब्ता करेगा और आपको कहेगा भाई मैंने ये प्रोजेक्ट बनाना है, जो भी आपको कर सकते हैं जी। फाइवर भी यही प्लेटफॉर्म है जी। फाइवर पे भी क्या करते हैं आपका कोई भी स्किल्स होती है, आप उसका कोई पोर्टफोलियो बनाकर अपलोड कर देते हैं और फिर क्लाइंट जो है, ऑनर जो है, जिसने उस जो इंटरेस्ट होगा जिसको उस टॉपिक पे, तो वो आपसे रब्ता करेगा और आपसे रब्ता करने के बाद आपको कहेगा कि भाई मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए। तो ये लाखों की गेम है जी, स्किल्स पे डिपेंड करता है जी। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी अपवर्क। अपवर्क में क्या होता है जी, क्लाइंट जो होते हैं, प्रोजेक्ट जिसने बनवाना होता है, वो आपसे रब्ता करते हैं। बड़ा ही एक सिंपल सा एक मैं आपको बता रहा हूँ कि जो क्लाइंट होते हैं या क्लाइंट के अलावा जो प्रोजेक्ट बनवाने वाले होते हैं लोग, वो आप लोगों से रब्ता करते हैं। आप स्किल, जिसके पास स्किल्स होती है, उनसे रब्ता करते हैं। एक वेबसाइट होती है जिसके ऊपर वो अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं कि भाई हमने फलाना फलानी चीज़ जो है इतने पैसों में बनवानी है, अगर कोई अवेलेबल है तो मुझसे रब्ता करें। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था फ्री लॉन्सिंग में, जो कस्टमर है या आप कह लो कि जो बनाने वाले हैं, डिवेलपर हैं, वो अपना पोर्टफोलियो ऐड करते थे। अपवर्क में क्या होता है, जो क्लाइंट हैं, डिवेलपर नहीं, क्लाइंट जो है वो रब्ता करते हैं डिवेलपर के साथ। तो बहुत ही आसान तरीका है, इसको सीखना है आपने, बड़े स्टेप जो भी मैंने स्टेप लेने हैं उन सारे स्टेप्स को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करना है, ताकि आपके क्लाइंट, आपका जो सपोज इंटरेस्ट पिक्चर में है, आपका इंटरेस्ट पीएचपी में, जावास्क्रिप्ट में या डेवलपिंग में है, आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में है, आपका इंटरेस्ट डिवेलपमेंट में या डिजाइनिंग में है, तो आपके पास वो सारे लिस्ट आ जाएगी प्रोजेक्ट की, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, किसी भी ऑनर से रब्ता कर सकते हो, बनवाने वाले बंदे से कह सकते हो कि भाई आप जो बनवाना चीज चाहते हो तो मैं उसको बेहतर तरीके से बनवा सकता हूँ, फिर वो क्या बना सकता हूँ, फिर वो क्या करेगा, आपकी भी बात सुनेगा, आपकी बात सुनने के बाद कोई और उससे रब्ता करेगा, भाई मैं भी ये बना सकता हूँ, आपको मैं इतने डॉलर में ये कंप्लीट कर दूंगा। आप कहेंगे भाई वो इतने डॉलर दे रहा है, आप इतने डॉलर दे रहे हो, तो क्या करेगा प्रोजेक्ट बनवाने वाला, क्या करेगा जिसको वो प्राइस के हिसाब से कॉस्टली जो ना पड़े, जो कीमत भी कम ले और काम भी अच्छा करे, ठीक है, तो उससे वो रब्ता कर लेगा और उसको वो प्रोजेक्ट दे देगा। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि प्रोजेक्ट बनवाने वाले, जिसने कोई वेबसाइट बनानी है कि जिसने कोई वेबसाइट बनवानी है, वो क्लाइंट डेवलपर से रब्ता करेंगे। तो बड़ा ही आसान तरीका है, मैं आपको तरतीब सारी सिखा दूंगा, आपने सिर्फ सारे स्टेप्स को फॉलो करना है और मुझे फॉलो करने के बाद लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि आपको मज़ीद इसके बारे में मैं बता सकूं और गाइड कर सकूं। चले आप स्टार्ट करते हैं कि किस तरह अपवर्क में हम काम करते हैं, किस तरह हम उसको सेल कर सकते हैं, किस तरह उसका अकाउंट बना सकते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं,
स्क्रीन के अंदर हमने क्या करना है जी, गूगल क्रोम को ओपन करके हमने लिखना है www.upwork.com। जब आप ये लिखेंगे आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा जो मेरे सामने आ गया जी। आपने कुछ नहीं करना, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपने क्या करना है जी, यहाँ से साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपवर्क को एज अ क्लाइंट यूज़ करना चाहते हैं या फ्रीलांसर, यानी आप उसके इस वेबसाइट के अंदर काम करना चाहते हैं या फिर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए काम ऑनर हैं, आप किसी कंपनी के और आप किसी लो फ्रीलांसर को ढूंढ रहे हैं। तो आप एज अ फ्रीलांसर यूज़ करना चाह रहे हैं अपने अकाउंट को, तो आपने फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क इस पे क्लिक कर देना है जी। जब आप क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है जी अप्लाई एज अ फ्रीलांसर, यहाँ पे आपने इसको क्लिक कर देना है। तो पूछेगा भाई आप इसको साइन अप करने के लिए आप अपने अकाउंट को किस क्या क्या यूज़ करना चाहते हैं, कौन से अकाउंट से आप लॉग इन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे जी, अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, कोई भी आप जो फर्स्ट नेम यूज़ करते हो तो वो आप फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ जी, मैं अपना नाम लिख देता हूँ और साथ अपना लास्ट नेम लिख देता हूँ। ईमेल आपने रजिस्टर्ड ईमेल डालनी है इसके अंदर। रजिस्टर्ड ईमेल डालने के बाद आप यहाँ पे अपना पासवर्ड दे सकते हैं जी, कोई भी पासवर्ड आप स्ट्रांग पासवर्ड लगाएंगे। ध्यान से आपने जो पासवर्ड देना है वो याद रखना है ताकि बाद में भी आपको कोई तंगी ना हो जी, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के एज इट इज़ चेक रहेगा। आपने यहाँ पे लिख यहाँ पे कर देना जी आई अंडरस्टैंड एंड एग्री टू द अपवर्क टर्म एंड सर्विसेज, इस पे आपने चेक कर देना है। फिर आपने क्रिएट माई अकाउंट कर देना है जी। जब क्रिएट अकाउंट करोगे तो वो कह रहा है जी डज नॉट अपेयर टू अ वैलिड ईमेल डोमेन, प्लीज कंफर्म योर इंटर। आप यहाँ पे वैलिड डोमेन डालो जी, कोई और जीमेल अकाउंट डाल देते हैं हम। मैं अपना डाल देता हूँ, मैं हाइड कर देता हूँ आपसे ये। मैं अपना जीमेल अकाउंट डाल रहा हूँ इसमें 05। ये मैंने अपना जीमेल अकाउंट इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने वेरीफाई किया तो ये वेरीफाई होना शुरू हो गया जी मेरा अकाउंट। ये मेरा वेरीफाई हो चुका है जी, इसको सेव करना है तो सेव कर ले, नहीं तो लॉगिन रहने दे। योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड, आपका अकाउंट बन चुका है। सिंपल सा है, सिर्फ जी मेल अकाउंट से ऐड करना है। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा, जी मेल अकाउंट से तो कोई भी ऐड कर सकता है, अपनी प्रोफाइल को इतना अट्रैक्टिव कैसे बनाएं जिससे आपके जो अपवर्क में आप ग्रो कर सको। फाइवर में जो फ्री हो जाते हैं प्लेटफॉर्म से या फ्री लॉन्सर वाली वेबसाइट से, तो बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन अर्निंग की फैसिलिटी देते हैं। तो अपवर्क उसमें से एक है जिसको मैं आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी प्रोफाइल को इतना अच्छा बना दें कि वो आप मजबूर हो जाए, जो भी ऑनर हो, जो भी प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाला हो, जो भी आपका मालिक हो जिसने आपसे काम करवाना है, कि वो मजबूर हो जाए कि आपसे काम करवाए ही करवाए, ठीक है। तो इसके अंदर आपने बहुत सी प्रोफाइल में ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ें डालनी है जो आपकी स्किल्स हों, जो आपकी जिस पे आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और जो आपके परमानेंट प्रोजेक्ट हों, ठीक है। इसके अंदर आपने इस चीज़ का जी व्यूअर्स, जैसे कि हमने अभी साइन अप किया है, साइन अप करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ चुका है। अब हमने इसकी प्रोफाइल को सेट करना है। जैसे मैं प्रोफाइल के बारे में आपको बता रहा था, जितनी अच्छी प्रोफाइल होगी उतने अच्छे तरीके से आप उसको क्लाइंट जो है आपसे रابطہ करेगा, जो ऑनर है कोई प्रोजेक्ट बनाने वाला है वो आपसे रابطہ करेगा जी। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे जी। यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा, हाँ जी आप कुछ क्वेश्चन के आपको आंसर देने पड़ेंगे। तो नाउ इट्स अ न्यू टू मी, इस पे आपने क्लिक करके रखना है। उसके बाद इसी पे आपने क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो ओके कर देगा इसको। फिर उसके बाद आपने इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप इस ऑप्शन को स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसको क्या ऑप्शन पे क्लिक कर दिया जी, टू अर्न माई मेन इनकम, इस पर आपने क्लिक कर देना है। मैंने पहले क्लिक किया हुआ था। फिर वो आपसे पूछेगा कि हाउ वुड यू लाइक टू वर्क,
किस किस्म का आप वर्क करना चाह रहे हो, पैकेज के हिसाब से या कोई क्रिएटर के हिसाब से, या अपॉर्चुनिटी माई सेल्फ पे क्लिक आपने कर देना है। जैसे आप खुद एक जॉब करना चाह रहे हो, आपके टैलेंट है मार्केट प्लेस में, आप कोई अपनी जॉब करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपने मार्केट प्लेस पे क्लिक कर देना है जी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये चेक हो जाएगा, ऐसे देखें ये चेक हो चुका है। जब चेक हुआ यहाँ से आपने नेक्स्ट क्रिएट अ प्रोफाइल कर देना है। जब आप नेक्स्ट क्रिएट अ प्रोफाइल करेंगे तो ये थोड़ा वेट लेगा, तो आपके सामने ये ऑप्शन आ गया जी। अब इसके अंदर आप अपने अकाउंट्स को भी फिलअप कर सकते हैं, अपलोड योर रिज्यूम, आपकी बायो डाटा आपने अगर अपलोड करना है तो वो भी कर सकते हैं। फिल आउट मैनुअली 15 मिनट्स, कोई आपने वीडियो वगैरह अपलोड करनी है तो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं रिज्यूम अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे अपनी पूरी की पूरी CV अपलोड कर सकता हूँ। कोशिश करें कि आप अपनी CV वगैरह भी अपलोड करें ताकि आपके सारी डिटेल वहाँ पे अपलोड हो जाए, ठीक है। अब ये फिल आउट मैनुअल मिनट्स, तो अगर आप अपना खुद एक्सपीरियंस उसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ वो बता रहा है, गॉट इट, नाउ ऐड अ टाइटल टू टेल द वर्ल्ड व्हाट यू डू। आपने कोई ऐसा डेवलपर हैं या डिज़ाइनर हैं, आपने अपना नाम चूज़ करना है जी। मैं यहाँ पे डेवलपर चूज़ कर लेता हूँ कि मैं एज अ डेवलपर काम करना चाहता हूँ। जब आप डेवलपर चूज़ कर लेंगे तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे कर देना जी। आपका थोड़ा वेट करेगा क्योंकि ये सेव कर रहा है आपके डाटा को। मैंने डेवलपर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद एक्सपीरियंस कितना है आपका, यहाँ पे आप एक्सपीरियंस ऐड करेंगे। अब सब एक्सपीरियंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपका एक्सपीरियंस है या डेवलपिंग में आपका एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पे डेवलपिंग लिख दूंगा जी। डेवलपर, एज अ डेवलपर मेरा एक्सपीरियंस है जी। आपका जो भी एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने यही चीज़ें लिखनी है, जिसमें भी आपका एक्सपीरियंस हो वहाँ पर आपने ये लिख देना है जी। यहाँ पे कंपनी है जी, IT स्कॉलर की कंपनी है जिसमें मैंने डेवलपिंग सीखी है। लोकेशन आपने देनी है यहाँ पे कोई भी आप, मैं यहाँ सरगोधा दे देता हूँ, जो मैं सरगोधा से हूँ, पाकिस्तान। आई एम करंटली वर्किंग इन द रोल, ओके कर देना, चेक कर देना, नीचे आ जाना। यहाँ पे आपने बताना है जी कब आपने स्टार्ट की थी जॉब, जनवरी 2013। प्रेजेंट अभी भी जॉब करना है। यहाँ डिस्क्रिप्शन अच्छी सी डालनी है, जितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन होगी उतना अच्छा आपको वो मिलेगा पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे आप अच्छी सी डिस्क्रिप्शन अपने डाल दें। आपने अच्छी सी डालनी है, मैंने तो एज इट इज़ वैसे ही डमी डाल दिया। तो आपने अच्छे से डिस्क्रिप्शन जो भी आपकी वेबसाइट के रिलेटेड हो, जो भी आपकी स्किल्स के रिलेटेड हो, आपने वो डालनी है जी। यहाँ सेव कर देना है। तो डेवलपर के नाम से IT स्कॉलर एक्सपीरियंस आपका हो चुका है जी। यहाँ पे अपने नाउ ऐड योर एजुकेशन, आपने यहाँ एजुकेशन ऐड करनी है जी। स्किप भी कर सकते हैं लेकिन मैं साथ साथ आपको सिखा देता हूँ कि एजुकेशन कैसे ऐड करनी है जी। यहाँ पे आपने स्कूल लिखना है जी, जो भी आपका स्कूल है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा, यहाँ पे आप मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मेरा MPhil है तो मैं यहाँ पे उसके मुताबिक ही लिखूँगा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ बिज़नेस कोई है तो आप बिज़नेस ऐड कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस है आपका बिज़नेस में, कोई भी स्टडी कर रहे हो। तो मैं डेवलपर ही कर रहा हूँ जी। उसके बाद कब से कर रहे हैं जी, यहाँ पे आप उसकी डेट लिख देनी है जी। ये सेव हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आपकी महारत है। इंग्लिश लिखा हुआ है तो मैं इंग्लिश ही कर दूंगा। नाउ शेयर योर स्किल्स, यहाँ पे आपने प्रायोरिटी देनी है जी। बेसिक है, फ्लोट है, बेसिक कर देते हैं, ओके कर देंगे। नाउ राइट योर बायो, यहाँ पे आपने स्किल्स देनी है अपनी। आई एम डेवलपर एंड वी हैव नॉलेज अबाउट डेवलपर। ये मैं डमी सा डाल रहा हूँ, आपने अपने मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेना है जी, ठीक है, ओके कर देना। एटलीस्ट वन हमने यहाँ पे जस्ट डेवलपर लिख देना है जी, हम डेवलपर लिख देना। ठीक है, ओके कर देना। तो चूज़ योर एरिया वर्क, आप कहाँ पर मतलब काम करना चाहते हो। इंटरेस्टेड इन यूएसए, ठीक है। हंड्रेड लाइन का वो कह रहा है आपका पैराग्राफ होना चाहिए, तो आपने लाजमी अपना 100 लाइन का पैराग्राफ लिखना है। मैं यहाँ से कॉपी एडजस्ट कर रहा हूँ फ़िलहाल, आपने अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेना, ठीक है, ओके करेंगे। वो सेव कर रहा है आपका डाटा। उसके बाद टेल अस अबाउट द वर्क यू डू, व्हाट इज़ मेन सर्विसेज यू ऑफर, कौन सा काम आप कर सकते हैं जी। आईटी और नेटवर्किंग का काम कर सकते हैं जी, डेटाबेस पीएचपी डेवलपमेंट पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आंसर ट्रेड, ओके कर दिया। कितने घंटे आप उसमें काम परफॉर्म कर सकते हैं जी, आवरली रेट के क्या होगा आपका, घंटे का आपके पैसे कितने आप लेंगे, तो वो आप बताएंगे इसके अंदर कि मैं घंटे के आपको $4 चार्ज करूँगा और अब वर्क सर्विसेज कितनी होगी वो उसके हिसाब से मैनेज हो जाएगी। और फ़ोटो एंड लोकेशन आपने दे देनी है, यहाँ पे आपने कोई भी पिक्चर अपलोड कर देनी है जी, अपने पोर्टफोलियो की पिक्चर। मैं यहाँ से पिक्चर कर देता हूँ जी अपलोड, कोई कर दें जो आपको सूटेबल लगेगी। यहाँ से हम जाते हैं जी पिक्चर में, फिर वाली पिक्चर पड़ी है मैं लगा देता हूँ जी यहाँ से, कोई भी पिक्चर सपोज में ये लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ सेव कर देना जी, जब आप सेव करेंगे तो आपका ये फ़ोटो जो है वो पिक्चर जो है आपकी सेव हो जाएगी, पोर्टफोलियो सेव हो जाएगा, जिसने भी आपसे रابطہ करना है तो वो इस तरह आपसे रابطہ कर सकेगा। तो बड़ा ही आसान तरीका है, ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। अपना अकाउंट बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, प्रोफाइल अच्छी बनानी है, जितनी अच्छी प्रोफाइल होनी है उसके हिसाब से ही आपको उसका कोई ना कोई पे करेगा या आपसे कोई रابطہ करेगा जी हमने ये आपका इंटरेस्टेड है। उसके बाद आपने यहाँ एड्रेस देना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आपने दे देना है जी, सिटी देना है जी, आप सिटी जो आपका होगा सिटी वो आप दे सकते हैं। बड़े तरतीब से आपने सारी चीज़ें देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे दे देना जी, तो
उसके बाद आपने यहाँ नंबर दे देना है जी, जो भी नंबर होगा आपका एग्जैक्ट वो नंबर देना है जो आपका ऑन हो, ताकि वो कोई भी आपसे फ़ोन पे भी रब्ता कर सके जी। ये आपकी पोर्टफोलियो तैयार हो चुकी है, आपका सारा पोर्टफोलियो आप वर्क में तैयार हो चुका है। यहाँ पर आपने सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये प्रोफाइल लाइव जो है लोगों तक पहुँच जाएगी और आप अपना अपवर्क का काम शुरू कर सकते हैं। नाइस वर्क, वर्क योर वकार, योर प्रोफाइल रेडी जी। ओके, ब्राउज योर जॉब करेंगे तो सारी जॉब्स आपके सामने आ जाएगी। तो ये तरीका था हमारा मुकम्मल पूरा पोर्टफोलियो को सेट करने का, तो बहुत ही आसान तरीका है। आप एक बार बना लेंगे, अपनी स्किल्स बना लेंगे तो आप बड़े अच्छे तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि इसी तरह की आपके न्यू जॉब्स जो है आपके सामने मैं लेकर आता रहूँ और आप उसका फ़ायदा उठाते रहें। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।